चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमने तीन टाइप की आज, अच्छा बच्चों दोबारा आ जाओ। हमने क्या पढ़ा? गारंटी लिमिटेड पढ़ा, हमने पढ़ा अनलिमिटेड कंपनी, हमने पढ़ा लिमिटेड बैच शेयर। आइए अब इसको रीड करते हैं, आइए अब इसको रीड करते हैं। कंपनी लिमिटेड बैच शेयर विद अ कंपनी लिमिटेड बैच शेयर द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स ओनर्स, ओनर्स को नाम ऊपर लिख लो सब्सक्राइबर स्लैश मेंबर्स इज रिस्ट्रिक्टेड इन लॉ टू द फेस वैल्यू। एक बच्चे का सवाल था, शायद अरियान बोल रहा था कि सर वो मार्केट वैल्यू क्या लिखा है इसमें? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो है ये वो अमाउंट होती है जिसके अगेंस्ट आप शेयर्स को अलॉट करते हैं, सही है? पढ़ा होगा आपने इंटरमीडिएट में, फेस वैल्यू जो है वो अमाउंट होती है जिससे आप अगेंस्ट अलॉट करते हैं शेयर, सही है? इज रिस्ट्रिक्टेड इन लॉ टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स दे ओन, दिस इज कॉल्ड द लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी कह रहा है कि इस कंपनी की जो मेंबर्स होंगे, जो सब्सक्राइबर होंगे, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम। फिर क्या कह रहा है कंपनी लिमिटेड बैक, पहले अनलिमिटेड पढ़ लेते हैं। अनलिमिटेड कंपनी में कह रहा है मींस द कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, यहां की लायबिलिटी की मेंबर की कोई भी लिमिट नहीं होती या अनलिमिटेड लायबिलिटी चल रही होती है, सही है? अच्छा इसके बाद क्या कह रहा है? गारंटी लिमिटेड, आइए इसको पढ़ते हैं। मींस द कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में अमाउंट मेंशन होती है। मेमोरेंडम क्या होता है? आर्टिकल्स क्या होता है? ये दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी बनने के टाइम पे बनाए जाते हैं। अगेन इन डिटेल जो है नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में कंपनी बनती किस तरह है हम ये सीखेंगे, सारी चीजें आप लोगों के जहन में खुल के सामने आएंगी। नेक्स्ट चैप्टर विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द कोर्स विद रिस्पेक्ट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ एंड विद रिस्पेक्ट टू द पेपर वेटेज। क्या कह रहे हैं? मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स मे अंडरटेक, जो अंडरटेक करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अगेंस्ट वो पैसे दे रहे हैं, यहाँ पे पैसे नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि भाई हम इतना अंडरटेक करते हैं कि जब कंपनी खत्म हो जाएगी तो हम इसको पे करेंगे। प्री डिसाइडेड होता है, मेंशन इन द मेमोरेंडम होता है। अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। अच्छा अभी एक सवाल है ना यार, आपने एक अमाउंट अग्री कर दिया, क्या आप उसके लिए मरते दम तक लाइबिल हो? भाई ना भाई कब तक? लॉ को ये चीज बतानी है ना, भाई आपने कहा, आपने कह दिया मैं ये मिस्टर सी है, इन्होंने कहा मैं 40 लाख दूंगा, तो क्या 40 लाख ये जो है क्या जब तक ये हयात है जब तक लाइबिल होंगे? नहीं, लॉ कहता है जब आप मेंबर बन खत्म हो जाओ। मिसाल के तौर पर आप खड़े हैं आज मार्च में, आप 1 अप्रैल को, आप 2022 को आप बोला, आपने बोला कि भाई मैं ए और बी को बोला भाई मैं जा रहा हूँ टाटा बाय बाय, सही है? टाटा बाय बाय बोल दिया। अब लॉ कहते हैं, सवाल ही पैदा होता है ना, आपने तो मेमोरेंडम में अमाउंट लिखा हुआ है कि मैं लायबिल हूँ, कब तक लायबिल है? लॉ कहता है 1 ईयर, 1 अप्रैल 31 मार्च 2023 तक आप लायबिल हैं, इसके बाद आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। आप मेंबर जब तक हैं उस वक्त तक भी लायबिल हैं, और मेंबरशिप खत्म होने के बाद 1 साल तक के लिए आप लायबिल हैं। नहीं, अगर अब लायबिलिटी अराइज होगी तो उसको पे करना पड़ेगा ना, अगर लायबिलिटी अराइज होगी इज बाउंड बाय लॉ टू पे, वरना केस करेंगे आप दोनों इन पे केस करेंगे। अगर उस टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, खत्म वो चला गया। देखो आप इसको बोल रहे तुम लाइबिलिटी नहीं दे रहे मुझे, वो बोलेगा तुम मुझे कुछ पैसे दे रहे हो जो कमा रहे हो, लॉजिक समझे ना? आप उनको बोलोगे यार तुम दो ना, क्यों नहीं दे रहे, 1 साल गुजर गया, तुम वो बोलेंगे भाई तुमने मुझे डिविडेंड दिया जो 1 साल कमाया, मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो, सही है ना? देखो मंतक समझे, लॉ को अगेन मंतक के साथ पढ़ेंगे। मैंने वही कहा हम लॉ को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको पढ़ना सिखाऊंगा, सर लॉ को पढ़ना सीखना है आपने। नहीं, 1 साल डिसाइड किया जिस दिन मेंबरशिप आपने खत्म करी, जिस दिन आपने बोला मैं कल से मेंबर नहीं हूं, खत्म कर रहा हूं अपनी मेंबरशिप, तो बस कल से वो आपका 1 साल स्टार्ट हो जाएगा, गिनती स्टार्ट हो जाएगी, समझे? क्या कह रहा है? इन दिस फॉर्म ऑफ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी अ मेंबर। सीजेस मतलब खत्म हो गया वो मेंबरशिप से, लेकिन चलती रहेगी कब तक? 1 साल तक चलती रहेगी। क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात क्लियर है? अब मेरा एक सवाल है, मजा आएगा ना, देखते हैं कितना समझाए। अगेन मेरा सवाल है सब बच्चों से, यहां वाले बच्चों से भी सवाल है, वहां वाले बच्चों से भी सवाल है, क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्या एक प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड हो सकती है? क्या एक प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड हो सकती है?
पढ़ लिया ना आपने, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस भी पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ सेलिब्रिटी। अब मैं आपसे क्वेश्चन है, कभी सोचा भी नहीं होगा आपने इस तरह भी सवाल आ सकते हैं। आप समझे नेक्स्ट आपसे होगा प्राइवेट, फिर आप भी जवाब देने बताओ, क्या प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड हो सके? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या एक प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड हो सकती है? क्या हुआ ऑनलाइन वाले बच्चों, जवाब नहीं आ रहा? क्या एक प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? लॉजिक यस नो नहीं, एमसीक्यू नहीं है। तो उसके आर्टिकल्स में मेंशन होगा लायबिलिटी। हाँ हाँ, लायबिलिटी मेंशन कहाँ से? बताओ क्या एक लायबिलिटी, क्या एक पब्लिक कंपनी, क्या एक प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं हो सकते? कैसे हो सकते हैं? और नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते? एक मिनट और दे रहा हूं, कितने पे खड़ी? 6 पे दी। चलो एक मिनट खड़ी नहीं, देखो सोचो सोचो सोचो, सोचो सोचो सोचो, पढ़ो सोचो, यही तो सीखना है, लॉ को पढ़ना सीखना है। देखो दोनों चीजें मैंने पढ़ा दी, मैंने ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस भी पढ़ाया, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी भी पढ़ाया। कैन अ प्राइवेट कंपनी बी अ अनलिमिटेड कंपनी? कैन अ पब्लिक कंपनी बी अ अनलिमिटेड कंपनी? अनलिमिटेड कंपनी एक्ट में लिखा होगा कि अनलिमिटेड नहीं हो सकता। देखो लिमिटेड अनलिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी है, वो स्टेटस है। जब तुम कंपनी बनाने जाओगे तुमसे पूछेगा कौन सी कंपनी बनानी है, तुम कहोगे प्राइवेट कंपनी, वो तुमसे पूछेगा लिमिटेड बनानी है या अनलिमिटेड बनानी है, तुम कहोगे लिमिटेड बनानी है। प्राइवेट कंपनी कैन ईदर बी अ लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग हैं, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। वो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी है कि लायबिलिटी कौन सी रखनी है, लिमिटेड रखनी है अनलिमिटेड रखनी है, सही है गारंटी लिमिटेड रखनी है। वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, किस टाइप की कंपनी बनानी है भाई, प्राइवेट बनानी है, अच्छा लायबिलिटी लिमिटेड रखनी है, हाँ रखनी है, नहीं रखनी चाहो नहीं रखनी। और पब्लिक में भी ऐसा हो सकता है, पब्लिक अनलिमिटेड भी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे। ये कंपनी एक्ट से तो होगा, लेकिन ये मैंने पूछा था कि क्या प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड हो सकती है, क्या पब्लिक कंपनी अनलिमिटेड हो सकती है? मर्जी है। क्यों? देखो लॉजिक समझो, अभी आप लोग लगता है मुझे लॉजिक नहीं समझे, लॉजिक समझो, दोनों अलग अलग चीजें। वो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस कि भाई तुम्हें कंपनी कौन सी बनानी है, देखो तुम्हें जगह कहाँ खरीदनी है, तारीकोट में खरीदनी है, शरा पसर पे खरीदनी है, क्या खरीदनी है, वो एक अलग चीज हो गई। अब तुम्हें कितने माले की बिल्डिंग बनानी है, कितने माले की बिल्डिंग बनानी है, वो एक अलग चीज है ना यार भाई, जगह प्लेन छोड़ देनी है, 4 मंजिल बनानी है, 6 मंजिल बनानी है, क्या इससे ताल्लुक है? 6 मंजिल बनानी है, 4 मंजिल बनानी है, इसका शरा पसर और डिफेंस और क्लिफ्टन से ताल्लुक है, उसी तरह इसका इंजिन से ताल्लुक नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? पहले कभी सोची नहीं चीज? अनलिमिटेड हो सकती है, क्या प्राइवेट अनलिमिटेड हो सकती है, क्या पब्लिक अनलिमिटेड हो सकती है, सवाल ये था। क्लियर है विद कॉन्सेप्ट? जी सवाल है, कोई भी नहीं, मैंने आज तक अनलिमिटेड कंपनी नहीं देखी। बताया तू बेवकूफी है ना यार, अनलिमिटेड कौन बनाएगा यार, पार्टनरशिप ना बना ले, वो अकाउंट भी बनाए, वो अकाउंट रजिस्ट्रार को भी दे, वो एनुअल जनरल मीटिंग भी कराए, वो डायरेक्टर्स की मीटिंग भी कराए, इतनी कंप्लायंसेस करे, पागल है वो, अनलिमिटेड भी रखे अपनी लायबिलिटी। हाँ क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं अदर टाइप्स ऑफ कंपनी, इसमें पढ़ेंगे होल्डिंग और सब्सिडरी, इसके बाद नमाज का ब्रेक भी कर लेंगे। होल्डिंग और सब्सिडरी पढ़ेंगे, इसके बाद नमाज का ब्रेक करेंगे। कहाँ है जी डस्टर? डस्टर कहाँ है? ये रहा। अब इसमें मजा आएगा आप लोगों को होल्डिंग और सब्सिडरी पढ़ने में, इसको भी हम जो है अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं। होल्डिंग और सब्सिडरी, अरे कम बच्चों में पता है आप लोगों को क्या फायदा होता है, आप लोगों को जो अटेंशन ज्यादा मिलती है, ये एक एज होता है अगर कोई लेना चाहे तो। मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा था कि कहीं से टीचर से, तो वहाँ भी कम बच्चे थे, तो मैंने उसको जैसे कहते हैं ना सवाल करके रिफ्रेश करता हूँ, सवाल कर करके चेक करा करा के, वो भी चेक करते थे कम बच्चे थे, तो वो बड़ा फायदा हुआ था।
लेकिन अगेन बच्चा टू बच्चा वेरी करता है कितना बच्चा इसको फायदा उठाता है। आइए अब पढ़ते हैं सब्सिडियरी होल्डिंग। आप तीनों ने मिलके एबीसी ने मिलके कंपनी बनाई, सही है? एबीसी ने मिलके क्या बनाया? एबीसी लिमिटेड। और आप लोगों ने सोचा यार ये तो है राइस की कंपनी, अब हम ऐसा करते हैं जो है इसके साथ ना कोई दूसरी कंपनी सीमेंट की भी बनाते हैं, एक अलग कंपनी बनाते हैं, एक अलग कंपनी बनाते हैं। तो आपने कहा चलो यार एक अलग कंपनी बनाते हैं, इसके साथ नहीं जोड़े, एक अलग कंपनी बनाते हैं। आपने बना दी एक्स वाई जेड, आपने पूरा इसके अंदर जो 100% आपने इसको जो है 100% जो भी इसके अंदर पैसा है आपने इसके अंदर डाला। ये कंपनी क्या कहलाएगी? ये कंपनी क्या कहलाएगी? नीचे वाली सब्सिडियरी कहलाएगी होल्डिंग कहलाएगी। होल्डिंग कंपनी कहें, पेरेंट कंपनी कहें, सब्सिडियरी कंपनी इसको कहेंगे आप। क्यों कहलाएगी सब्सिडियरी कंपनी? होल्डिंग कंपनी क्यों है? ये इसको होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है, सही है? तो इसके अंदर जो भी पैसा है सारा इसका है। तो जब ये कह रहा है कि भाई ये होल्डिंग कंपनी है, और ये सब्सिडियरी क्यों है? इसके अंदर होल्डिंग की जा रही है तो ही ये सब्सिडियरी कंपनी कहलाई जा रही है। हाँ, ऑटोमेटिकली वो स्टेटस खत्म हो जाएगा, कंपनी खत्म नहीं होगी, स्टेटस खत्म होगा। अगर एक्स वाई जी एबीसी कल को खत्म हो जाए, वाइंड अप कर जाए, तो ये एक्स वाई जी इंडिपेंडेंट कंपनी कहलाई जाएगी, होल्डिंग इसकी इसकी कोई होल्डिंग नहीं होगी। जी होल्डिंग कंपनी के पेज पे आ जाए, फ्लिप कर लें। देखिए इसके अंदर ये दो क्राइटेरिया की बात करता है, दो क्राइटेरिया की इसके अंदर बात करता है कि होल्डिंग कब होगी, सब्सिडियरी कब होगी। अच्छा होल्डिंग समझो कि सब्सिडियरी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। होल्डिंग क्या है? जो होल्ड कर रही है। सब्सिडियरी क्या है? जिसके अंदर होल्ड कर रही है कोई दूसरी कंपनी, सही है? सबसे पहला क्राइटेरिया वो कहता है कि ग्रेटर देन 50%, ग्रेटर देन 50%, 50% पे जॉइंट वेंचर होता है। IFRS मुझे याद नहीं आ रहा 11 है कौन सा है, सही है? जॉइंट वेंचर होता है 50.00001 भी होगा तो भी वो सब्सिडियरी और होल्डिंग हो जाएगी, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया वो कहता है चलो यार देखो होल्डिंग सब्सिडियरी में होता क्या है, आपका कंट्रोल होता है, आप बोलते हो ये होगा फैसला, ये होगा फैसला, ये होगा फैसला, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये करोगे। जब ये कहते हैं होल्डिंग पेरेंट बाप है उसका, सही है? दूसरा क्राइटेरिया वो बताता है, कहता है सही है तुम्हारी होल्डिंग नहीं है 50%, मसला नहीं 10% है 20% है, लेकिन तुम्हारे पास कंट्रोल है। कंट्रोल है, किस तरह कंट्रोल है? तुम्हारे पास जो है मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हैं, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स तुम्हारे वहां पे बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर उसके पास 8 डायरेक्टर हैं तो 8 में से उसके 5 हैं। मिसाल के तौर पर उसके पास 60 डायरेक्टर हैं, 7 में से उसके पास 4 हैं। अब होगा क्या, डायरेक्टर के मीटिंग में होगा क्या? मिसाल के तौर पर आप 3 बैठे हैं, डिसाइड करना है KFC जाना है या मैकडोनल्ड जाना है। अभी 2 बोल दें KFC, तो आपको मर्जी है चलना है चलो, नहीं चलना नहीं चलो, KFC डिसाइड हो गया, सही है ना? अब आपकी मर्जी है, आप चलो नहीं चलो डिसीजन हो गया, सही है ना? अब आपकी मर्जी, आप चलते हैं नहीं चलते। तो वही वाली बात है, जब ये 8 में तो 5 उसके होंगे, तो ये 5 इसकी बात मांगा, इसकी बात करेंगे। जब इसके अंदर ये बैठे हुए होंगे तो ये 5 जो है इसकी बात करेंगे, इनकी बात नहीं करेंगे। बाकी 3 सब्सिडियरी के होंगे, बाकी 3 सब्सिडियरी को। सबसे बेहतरीन मिसाल HSLR PTCL, उनके पास जो है 26% शेयर होल्डिंग थी जब वो आए थे पाकिस्तान में, HSLR वाले PTCL को खरीदा था उन्होंने गवर्नमेंट से, लेकिन उन्होंने मैनेजमेंट का कंट्रोल लिया था डायरेक्टरशिप के थ्रू। उन्होंने कहा था हम कंट्रोल लेंगे, आप HSLR वालों ने, PTCL जिन्होंने खरीदी थी, HSLR PTCL ही नहीं किए ना, तो आइदर हाँ और हाँ और अभी पढ़ेंगे हम, और ये दूसरा है, ये और है बीच में, और है एंड नहीं है, एंड नहीं है यहाँ पे। उसके बाद 10% हो, 5% हो, कुछ भी ना हो, अगर मैनेजमेंट कंट्रोल आ गया डायरेक्टर्स के थ्रू, तो फिर वो जो है आपका क्या कहलाया जाएगा? होल्डिंग सब्सिडियरी हो जाएगा, सही है? आइए इसको रीड करते हैं, फिर इसको दोबारा समझते हैं। रीडिंग में ही एक और चीज समझेंगे रीड करते हुए। क्या कहता है होल्डिंग कंपनी में, क्या कहता है? मीट मींस अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन, इनडायरेक्टली को छोड़ दे, सेंस से निकाल दे, मैं इसके पॉइंट के बाद समझाता हूं, होल्ड्स मोर देन 50% इन द वोटिंग सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी। मोर देन 50% का है, इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं का, मोर देन,
सवाल है भाई, मोर देन 50% की जगह मिल सकते हैं, होल्ड मेजॉरिटी होगी? नहीं नहीं, मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी होती है? नहीं नहीं नहीं, आपको 50% लिखना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन नहीं। लॉ ने मोर देन 50% लिखा, मोर देन 50% लिखेंगे, आप मेजॉरिटी नहीं लिखेंगे। फिर कह रहा है, और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सच अदर कंपनी। सच अदर कंपनी कौन सी है? एक्स वाई जी, सही है। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपनीज बोर्ड शैल बी डीम्ड। अब अगेन ये तसव्वुर दिलवा रहा है, तसव्वुर, लॉ में ऐसा नहीं है, लॉ में डायरेक्टर इस तरह नहीं निकाले जाते, तसव्वुर दिलवा रहा है। कह रहा है कंपोजिशन कब तसव्वुर किया जाएगा कि कंट्रोल कर रहे हैं। द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज बोर्ड शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय द कंपनी इफ दैट कंपनी, इफ डेट कंपनी, डेट कंपनी कौन सी है बेटा, पीछे वाले आप बताइए, डेट कंपनी कौन सी है? ये या ये? एक्स वाई जी नहीं, एबीसी। इफ डेट कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट, उसको पावर मिली है उसके तहत क्या करे, बाय इट एट इट्स डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर। उसके बाद कंपोजिशन जो कब कंट्रोल तस्वीर किया जाएगा कि उसके बाद इतनी पावर हो कि या तो सबको निकाल दे या सबको रख ले। इतनी पावर होनी चाहिए, जरे आठ में से पांच होंगे, जरे मोर देन 50% उसके बाद पावर आ गई और उसका फैसला माना जाएगा। अब इसमें एक चीज हमने पढ़ी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बोले बोले यानी तस्वुर दिलवा रहा है। लॉ में ऐसा नहीं होता, लॉ में आपने पढ़ा हुआ है लॉ, लॉ में रिमूवल ऑफ डायरेक्टर अलग होता है, कैजुअल वैकेंसी का डायरेक्टर अलग तरीके से रिमूव होता है, इलेक्टेड डायरेक्टर अलग तरीके से रिमूव होता है, और जो अपॉइंटेड डायरेक्टर है वो अलग तरीके से रिमूव होता है। याद आ रहा है कुछ? मैं जानबूझ के नहीं बोला था, इन्होंने लॉ नहीं पढ़ा हुआ, वो अलग, तो वो हम आगे पढ़ेंगे डायरेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, वो क्राइटेरिया गिवन है। ये इसने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि कंट्रोल कंपोजिशन का जब तस्वीर किया जाएगा कि उसके बाद ये पावर हो क्या जो सबको निकाल दे सबको अपॉइंट कर ले, मतलब मेजोरिटी की बात कर रहा है। अगर मैं आपको वन वर्ड समझाऊं तो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर होना चाहिए, सही है। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, क्या आठ में से पांच डायरेक्टर उसके पास हो, सही है। अब वो क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एक्स वाई जी जो है, एक्स वाई जी चल गई, चल पड़ी, इन्होंने पी क्यू आर बना दी, पी क्यू आर बना दी, इनके इसके अंदर 60% है पी क्यू आर और एक्स वाई, ये छोड़ दो एबीसी, एक्स वाई जी ने पी क्यू आर बनाई, एक्स वाई जी क्या है? होल्डिंग। पी क्यू आर क्या है? सब्सिडरी। वेरी गुड। क्या एबीसी और पी क्यू आर का कोई रिलेशनशिप है? Yes, sir, yes. कैसे? सही है, सही है। आपको एक्सप्लेनेशन दे इसकी, क्या क्यों है, क्यों है? है तो सही है, मैं भी मान रहा हूँ, है क्यों है? सही है, सही है, चले ये भी एक्सेप्ट, आप बताएं सर कोई डिफरेंट बात। देखिये एबीसी, देखो रुको मैं बताता हूँ, देखो वो बोलेगा, ये बोल रहा है मेरे 60 इसमें है, वो बोलेगा भाई तुम्हारे 60 इसमें, मेरे तो तुम्हारे पूरे 100 हैं इसमें। यस सर, पावर ज्यादा उसके, पावर ज्यादा है ना, दादा ने जायदा, दादा की जायदाद है, अब्बा को बटी, अब्बा से बच्चों में बटी, दादा बोलेंगे मैं सारा मेरा ही तो है, सारा मेरा ही तो है, तो ही वाली बात है। जो बोलेगा भाई तुम मेरे तो पूरे 100, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, जो है वो मेरा है, जो तुम आगे लगा रहे हो वो भी मेरा है। यहाँ 50 होता तो भी वो ये बात बोलता, यहाँ अगर 60 होता, ये भी 60 तो भी ये बात बोलता, बोलता तुम्हारे पास जो है उसमें 60 मेरा है, तुमने जो आगे लगाया उसमें भी मेरा है। जी नहीं, देखो प्रैक्टिकली देखें तो लोग जब बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं तो वो ज्यादा डिफरेंट कंपनीज बनाते हैं ताकि मैनेजमेंट अच्छी रहती है। अगर आप एक ही कंपनी में मल्टीपल डिविजन रख देते हैं ना तो मसले मसाइल होते हैं, कंट्रोल के मसले मसाइल होते हैं, एक्सपर्ट्स नहीं हायर कर पाते। अब आप मल्टीपल, आपके इसके अंदर सेल्स की टीम होती है, मल्टीपल सीएफओज होते हैं, मल्टीपल आपके प्रोडक्शन के लोग होते हैं। जब अनरिलेटेड बिजनेसेस होते हैं ना तो लोग कंपनियां बनाते हैं। एंग्रो को देख लें, फर्टिलाइजर, पॉलीमर, बिजली में है, वो बिजली अलग बना रहे हैं, वो है कोल, एंग्रो थिन, एंग्रो कोल वाले हैं। एंग्रो को बता तो रहा हूँ, मैनेजमेंट कंट्रोल अच्छा आता है ना यार। मिसाल के तौर पर आप इंजीनियर हैं, आप टॉप क्लास इंजीनियर हैं, ये टॉप क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सही है, ये मिसाल के तौर पर लॉयर हैं, तो यार ये सबको वो अलग अलग फील्ड दे रहे हैं ना। आप केमिकल इंजीनियर हैं, सही है, आपको उन्होंने उसने एंग्रो केमिकल में डाल दिया, सही है। एंग्रो का दूसरे जो मिट्टी बना उसके ऊपर क्या फायदा, मतलब यार देखो भाई मैं बताऊँ ना, देखो जब अनरिलेटेड बिजनेसेस होते हैं तो कंपनियां क्या करती हैं, नई कंपनी फॉर्म कर देती है अनरिलेटेड, ताकि उसकी मैनेजमेंट को सेपरेट कर दे, उसकी मैनेजमेंट को सेपरेट कर दे ताकि वो एक अच्छे प्रोफेशनल अंदाज में लोग ग्रो करें। जब आप एक ही बिजनेस में, एक ही कंपनी में बहुत सारे बिजनेस मिक्स कर देते हैं ना तो वहाँ मसले मसाइल होते हैं, प्रैक्टिकल मसले मसाइल होते हैं। ऑटोमेटिक एंग्रो खत्म हो जाते कुछ भी नहीं होगा, अपनी जगह रहेंगे,
अपनी जगह रहेंगे। फिर उसकी 50% वोटिंग सिक्योरिटीज का क्या होगा? जिसको वो बेचेगा, अगर अगर वाइंड अप हो रही है तो वाइंड अप में तो कंपनी खत्म हो गई, तो अगर ये वाइंड अप हो गई तो ऑटोमेटिकली कोई अगर तीसरे एबीसी ने किसी और को बेच दिया तो फिर ये वो होल्डिंग बन जाएगा। अगर वाइंड अप खत्म हो गई तो फिर सही है, एक्स वाई जी अपनी जगह खड़ा रहेगा। एक्स वाई जी फिर ये नहीं, ये ऊपर का हिस्सा उड़ गया ना, अब दादाजी निकल लिए, दादाजी निकल लिए तो दादाजी निकल लिए तो निकल लिए। अब अबू ये अबू है, ये बेटा है, हाँ 100% इसके बाद नहीं, ये तो खत्म ही हो गया ना, दादाजी निकल लिए, दादाजी का सब कुछ निकल लिया। या तो वो लॉसेस में चले गए, वाइंड अप हो रही है, ऐसी वाइंड अप नहीं होती, खड़े खड़े वाइंड अप नहीं करते हुए, वाइंड अप हो गई ना तो ये 60% इसके शेयर होल्डर्स को बढ़ जाएगा, इसके शेयर होल्डर्स को बढ़ जाएगा, इसका नहीं बढ़ेगा, इसका अपना बढ़ेगा, ये अभी यह खड़ी रहेगी, फिर ये डिसाइड करेगा कि इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। अगर ये बोलता नहीं सिर्फ मैं खत्म हो रहा हूँ, ये अभी यह खड़ी रहेंगी तो ये अपनी यहाँ खड़ी रहेंगी, 60% से डिवाइड होंगे बाकी दूसरे। अब हाँ वो अगर कोई दूसरे शेयर होल्डर आते हैं उनमें डिवाइड हो जाएंगे, या कोई कंपनी खरीद लेती है उनमें डिवाइड हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो बिकेंगे, मतलब इनके क्योंकि इसकी बुक्स में आ रहे हैं ना, इसकी बुक्स में आ रहे हैं, इसकी बुक्स में जो आ रहा है वो सब उसका, हाँ एक्स वाई जी बायबैक कर सकते हैं। क्या मतलब मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो। अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सही है, इसके लॉसेस एडजस्ट नहीं होंगे उसके अपने, हाँ हाँ। दूसरा ये भी है, ये भी है, ये अपने अकाउंट बनाएगा, ये भी कंसोल अनकंसोल बनाएगा, कंसोलिडेटेड अलग बनाएगा, अनकंसोलिडेटेड अलग बनाएगा, ये भी बनाएगा अनकंसोलिडेटेड अलग बनाएगा, कंसोलिडेटेड में ये दोनों को प्लस करेगा, ये सिर्फ इसको प्लस करेगा। एबीसी की दो होल्डिंग कंपनी होल्ड सब्सिडरी, हाँ हाँ सब्सिडरी, सही है, ये होल्डिंग ये समझ गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ गए, सही है, दोनों क्राइटेरिया समझ गए, शेयर होल्डिंग से भी समझ गया, उससे भी समझ गए, सही है। अब इसी को अलर्ट कर दो, सब्सिडी बन जाएगा, इसी को अलर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सब्सिडी बन जाएगा। सब्सिडी कंपनी को कहते हैं सब्सिडी कंपनी, वो कंपनी जिसके अंदर किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर, नहीं 50% से ज्यादा शेयर होंगे, उसके उसका जो बोर्ड है उसमें जो है कंट्रोल कौन कर रहा होगा, कोई दूसरी कंपनी कर रही होगी, इसी का वाइस वर्सा है इसके अंदर। आइए इसको रीड करते हैं, सब्सिडरी में कह रहा है इट मींस अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट हुज 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 हुज, वहां क्या लिखा था, वहां क्या लिखा था, विच विच ओन, देखो 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 देखो, फोकस नहीं हटाओ, होल्डिंग कंपनी में कह रहा था विच ओन्स विच कंट्रोल्स, सही है, ऑफ अदर कंपनी, इसमें क्या कह रहा है, इन हुज मोर देन 50% वोटिंग सिक्योरिटी आर हेल्ड और कंट्रोल्ड By some other company. Yes. सही है? उसकी होल्डिंग नहीं है, उसके अंदर किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग है। दूसरे में क्या कह रहा है, सच अदर कंपनी, कौन सी, अब तुम बताओ सच अदर कंपनी कौन सी है, होल्डिंग वाली, वेरी गुड, सच अदर कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सच कंपनी, दूसरी वाली सच कंपनी कौन सी है, सब्सिडरी जो है, वेरी गुड, सही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। अच्छा डायरेक्टरशिप का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही होगा, एबीसी का डायरेक्टर इसके अंदर बैठे में इनडायरेक्टली हो गया, मिसाल के तौर पर यहाँ 20-20% है, यहाँ 20-20% है, कुछ भी नहीं, होल्डिंग ही नहीं है, 20-20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, लेकिन इसके जो डायरेक्टर हैं 7 में से 5 इसके बैठे में, सही है, और इसी के जो है, अब मिसाल आप देखो 7 में से 5 इसके बैठे हैं, अब इसने जो है यहाँ पे बिठाए में अपने 6 में से 7, तो ये भी इनडायरेक्ट हो गया, वही सेम क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सेम है, सही है, क्लियर है यहां तक। होली ऑन सब्सिडी पढ़ के हम ब्रेक ले लेते हैं, कुछ भी नहीं है, होली ऑन सब्सिडी का मतलब 100%, सब्सिडी में वो कह रहा था कि मोर देन 50%, होली ऑन का मतलब है 100%, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी होली ऑन सब्सिडी ऑफ अदर कंपनी और द स्टैट्यूटरी बॉडी इफ ऑल इट्स शेयर्स आर ओन्ड बाय दैट अदर कंपनी और द स्टैट्यूटरी, सही है, ऑल मतलब 100%, एक नई चीज इन्होंने एक दफा ऐड करी है आईकेएफ ने, सही है, आप रीड करें कुछ ना समझ में आप पूछिएगा। अच्छा जी, अच्छा अभी बॉडी कॉर्पोरेट और पब्लिक सेक्टर कंपनी से पहले मैं जो हूँ सेक्शन 42 को शुरू कर रहा हूँ, 42 और 43 हम करेंगे, क्यों, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्लास में आप लोग पास पेपर करके आए, सही है, पास पेपर देंगे ना, ये है ना, इसके पास पेपर करेंगे ना आप,
सही है, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पास पेपर भी चेक करेंगे, उसके अलावा उसकी डेफिनेशन है वो पढ़ लेंगे। डेफिनेशन अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुई है तो उसका पास पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है। पास पेपर करने की अप्रोच मैंने आप लोगों को बताई थी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आपने सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ के आपने आंसर देख ढूंढा इसके अंदर किस सेक्शन से आया है, बल्कि इससे भी पीछे मैंने क्या तरीके का बताया था रेहान, मैंने कहा था कि कोई भी चैप्टर हम खत्म करेंगे आप इस हैंड आउट को, इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे जैसे किताब रिसाला पढ़ने, इससे क्या फायदा होगा, इस रीडिंग से क्या फायदा होगा। आप लोग करते क्या है, आपने पेज उठाया रटना शुरू कर दिया, वो आपसे रट लेते हैं, कोई कॉन्सेप्ट कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। आपने जो किताब रिसाले की तरह पढ़ा, इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि चैप्टर में लिखा क्या है। सिर्फ रीडिंग करनी है, थॉरो रीडिंग, अभी कुछ याद नहीं करना, दो महीने तक रीडिंग कर ली, पास पेपर पढ़ा, पास पेपर का ढूंढा कहाँ है सोल्यूशन, इसको सामने रख के आपने सॉल्व करना है, देख के सॉल्व करना है, अभी लिखना सीखना है, देख के सॉल्व करना है। कंपनी लॉ का सबसे बड़ा मसला ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग से बड़ा मसला, जो ड्राफ्टिंग का जो मसला बनता है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ कैसे बनता है। आप लोग लॉ सही समझते नहीं है जब भी ड्राफ्टिंग का इशू आता है। सही है, अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर, सिनारियो है भाई, सब सिनारियो है, सीधे सीधे क्वेश्चन का दौर गया। बिजनेस लॉ में भी ऐसी है, बिजनेस लॉ पढ़ चुके हैं, बिजनेस लॉ में भी तो यार बिजनेस लॉ को तीन अटेम्प्ट से हल्का दे रहा था, अब हल्का बिजनेस लॉ को भी वो नहीं देगा। कहाँ जब आसान आया था, चले अच्छी बात है, अगर आसान आया तो अच्छा है, अल्लाह करे ये आप पास हो जाएं इसमें फिर। चले जी, सेक्शन 42 क्या कह रहा है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये एक देखो हमने पढ़ा था कि भाई सारी लाइबिलिटी सारी कंपनी क्या होती है, कंपनी होती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बनाते हैं टू रन अ बिजनेस। बिजनेस का मतलब मैंने बताया था कि मतलब प्रॉफिट मेकिंग आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप कमाएंगे, इससे आपका कारोबार चल रहा है, आप कमाएंगे, घर लेके जाएंगे सारा पैसा। ये एक वाहिद कंपनी है जो लॉ इजाजत देता है कि आप बनाए नॉट फॉर प्रॉफिट। एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओ एक अलग चीज, एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल नॉट फॉर आईकेप भी आपको पता है नॉट फॉर प्रॉफिट है। नॉट फॉर प्रॉफिट का ये मतलब कतई ये नहीं होता कि ये प्रॉफिट नहीं कमाती, इसका प्रॉफिट इसी के ऑपरेशंस में री इन्वेस्ट हो जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती, इसका प्रॉफिट उसी के पर्पस में, जिस पर्पस के लिए वो बनी है वो उसमें री इन्वेस्ट हो जाता है। दिस मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट। इसमें लोग क्राइटेरिया देता है कि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कब बना सकते हैं, सही है, वो क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे। इसके बाद वो कहता है कि भाई इसमें आपको जरूरी नहीं कि आप लिमिटेड का वर्ड ऐड करें, बगैर लिमिटेड का वर्ड ऐड करें आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो गया। अगेन एक स्पेशल नेचर की कंपनी है, सिर्फ दो ही सेक्शन इसके हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट में कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप लिमिटेड का वर्ड ऐड करें, डिस्पाइट कि आप लिमिटेड का वर्ड ऐड नहीं करें और लायबिलिटी विल रिमेन लिमिटेड। जिस तरह प्राइवेट कंपनी में होता है आप लिखते हैं प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट आता है ब्रैकेट में, पब्लिक लिमिटेड होती है सिर्फ लिमिटेड लिखते हैं। इसमें आप कुछ भी नहीं लिखेंगे जब भी ये आपकी लायबिलिटी इसके अंदर लिमिटेड रहेगी। सही है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं विद दिस ब्रीफ बैकग्राउंड। द कमीशन मे परमिट, मे क्यों लिखा है, शाल क्यों नहीं लिखा हुआ, मे अपने लिए यूज करेगा, याद रखो आपको हमेशा शाल कहेगा, आपसे लॉ पूछता नहीं है, लॉ डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। रेड सिग्नल मीन्स यू हैव टू स्टॉप, ग्रीन मीन आपको जाना है। रिक्वेस्ट नहीं, हाथ नहीं जोड़ेगा आपके आगे कि भाई अकाउंट जमा करा दो, भाई एजीएम करा लो, भाई बोर्ड की डायरेक्टर मीटिंग करा लो, शाल यूज करेगा आपके लिए हमेशा, अपने लिए मे करेगा। मैं चाहूं तो करूं, मैं चाहूं तो ना करूं, अपने लिए जो मे का वर्ड यूज करता है इस वजह से कि अगर आप उस लॉ पे नहीं उतरते तो वो नहीं करेगा, उतर जाओगे तो कर देगा, आपके लिए भी नहीं करता। अब आपने कंपनी बनानी है तो एजीएम करनी है, ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टर्स की मीटिंग करनी है, ऑप्शन नहीं है, मैं आपको नहीं कहेगा, मैं सिर्फ अपने लिए यूज करेगा। आगे बढ़ते हैं, द कमीशन मे परमिट, देखो जब इस तरह की चीज आप समझते हैं ना तो लोग आप जब आप लिखते हुए कंफ्यूज नहीं होते कि मैं लिखूं शाल लिखूं,
वरना बच्चा ये समझता कि यार मे शाल इसी में घूमता रहता है। विल विल लॉ में कहीं नहीं आएगा, विल का वर्ड ही नहीं आएगा कहीं। विल नहीं होता है, मे होता है, शाल होगा। द कंपनी मे परमिट, सॉरी द कमीशन मे परमिट फॉर द एसोसिएशन, एसोसिएशन की कह रहा है, दो है, दो सारा लोग, एसोसिएशन कह रहा है। सिंगल मेंबर कंपनी इसका मतलब नहीं हो सकती, सिंगल मेंबर इस कंपनी का नहीं हो सकता। यहां से मैंने इंटरप्रिटेट किया कि एसोसिएशन का मतलब इसके अंदर एक बंदा ये एनपीओ नहीं बना सकता। अभी दो या दो से ज्यादा, आगे एक और चीज खुलेगी। द कमीशन मे परमिट फॉर द एसोसिएशन टू बी रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड कंपनी विदाउट द एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड टू इट्स लास्ट नेम और गारंटी लिमिटेड टू इट्स नेम इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अब देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर वन में क्या कह रहा है, इट इज फॉर्म फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स आर्ट्स, या फिर उसी तरह रटना जिस तरह आप लोग 12 साल करते हैं, ये वाला लाइन इसी तरह रटनी है। 12 साल इंटर में आप लोगों ने क्या किया, यही किया, यही किया ना इंटरमीडिएट में, वो लेवल का तो वही नहीं बैठा हुआ, सही है, सबने इंटरमीडिएट में यही किया, मैंने भी यही किया, नहीं सीए में अब ये नहीं करना। इट इज फॉर्म फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स आर्ट साइंस रिलीजन हेल्थ एजुकेशन रिसर्च स्पोर्ट, इन इन मकसद को प्रमोट करने के लिए अगर आप कोई हेल्प कर रहे हैं, हेल्थ मिसाल के तौर पे का इंडस हॉस्पिटल, यस सर, हेल्थ में काम कर रहे हैं वो चाहते तो सेक्शन 42 वाली। अच्छा मैं मजे की बताऊं, मजे की बात आप लोगों को शायद पता ना हो, ए के यू एच क्या है, ये ए के यू एच है क्या, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सेक्शन 42 कंपनी। प्रॉफिट तो है ना, देखो प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो रहा है ना आगा खान, देखो ए के यू एच हो, हबीब बैंक हो, कुछ भी हो, ये ए के डी एन के अंदर चलता है। ए के डी एन क्या है, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, आगा खानियों का ये, सही है। जो भी इनकी कंपनी, जो भी ये कारोबार कर रहे हैं, जो भी ये कमाते हैं, ये इस यहाँ जाता है सारा। यार वो झूठ है, हकीकत है क्या है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट इट इज अ सेक्शन 42 कंपनी। प्राइम एग्जांपल चाहो तो लिख भी लो, ए के यू एच ऑडिट इसका ई वाई करती है, इसका ऑडिट एडिटर इसका ई वाई है, सही है। इट इज फॉर्म फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स आर्ट साइंस रिलीजन हेल्थ एजुकेशन रिसर्च स्पोर्ट, इसी तरह याद करना जिस तरह मैं तेजी से पढ़ रहा हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट सोशल वेलफेयर चैरिटी और एनी अदर चैरिटी में क्या ईडी सेंटर वगैरह। अगर ये सेक्शन 42 है, बस सेक्शन 42 नहीं है लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, इट प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर। डिविडेंड नहीं देगा, डिविडेंड आप कब देते हैं, आप जब शेयरिंग कर रहे हैं, आप बोल लो यार मैं कारोबार में पैसा लगा रहा हूं, मुझे रिटर्न चाहिए, इसका रिटर्न होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, सही है। पार्टनरशिप में डिविडेंड नहीं होता, कंपनी में ऐसा नहीं होता, आपने बोला यार 10 लाख दे दे यार जरूरत है, ऐसा नहीं होता, 5 लाख दे दे यार तूने इतना कमा लिया ना, प्रॉफिट कमा लिया यार 5 लाख दे दो, ऐसा नहीं होता। आप डिविडेंड के थ्रू आपकी इनकम होती है, आगे पूरा चैप्टर है उसका, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो कह रहा है यहाँ डिविडेंड नहीं होगा, डिविडेंड नहीं होगा, मेंबर्स घर लेके नहीं जाएंगे। क्यों मेंबर्स घर लेके नहीं जाएंगे, एनपीओ तो सबको पता है क्यों, एक सेकंड देखते इनको भी सोचने देना, घर लेके जाम लेंगे तो वो रीइन्वेस्ट नहीं होगा ना, रीइन्वेस्ट नहीं होगा, ये भी वही बात आपने घुमा के कर दी। आप बताइए, हाँ एसटीडी नहीं है क्योंकि लिस्टेड, लिस्टेड से क्या ताल्लुक है डिविडेंड का, डिविडेंड तो प्राइवेट कंपनी भी देती है, हाँ डिविडेंड तो प्राइवेट कंपनी भी देती है, डिविडेंड तो पब्लिक अनलिस्टेड भी देती है, डिविडेंड तो लिस्टेड भी देती है, डिविडेंड डिविडेंड का लिस्टिंग से क्या ताल्लुक है, हर कंपनी में डिविडेंड होता है। आप बताइए, ये वाह सबसे बेहतरीन, सेक्शन 42 ने मना किया। मुझे एक बात बताओ, आपने जकात दी ईडी को, आपने ईडी सेंटर को जकात दी, अज्यूमिंग ईडी सेंटर से सेक्शन 42 कंपनी, क्या आपने जकात फैसल ईडी के घर में राशन डालने के लिए दी है, क्या आपने उसके बच्चों की स्कूल की फीस के लिए दी है, क्या आपने बिल्कुल ईडी को दी है कि वो प्रॉपर्टियां बनाए अपने नाम पे, आपने दी है कि वो गरीब गुरबा में इस्तेमाल हो, वो बोलता है तुम पैसे ले रहे हो डिविडेंड लेके घर ले जा रहे हो, ये पैसा तुम्हारे लिए थोड़ी था, तुमने तो एक चीज को प्रमोट करने के लिए बनाई थी, हेल्थ को प्रमोट करोगे, स्पोर्ट्स है, जो भी एक्सपर्स थी तुम करोगे, ये तुम घर लेके जा रहे हो, ये क्या बात हुई, क्यों डिविडेंड दे, तुम क्यों डिविडेंड ले रहे हो, प्रोहिबिशन ऑफ डिविडेंड, लॉजिक मन तक समझे। जी सर, नहीं अभी आगे पढ़ते हैं, ये आएगा मैं जब भी रोका ना, मैंने कभी आएगा। It intends to apply the company's profit and other income in promoting its object. Two or three को link भी कर सकते हैं। जैसे dividend को रोक दिया, तो profit automatically उसके operations में reinvest हो गया, profit निकलेंगे ना, leakage ही नहीं है इसके अंदर। Company's object and activities are not against the law, public order, security, sovereignty कहते हैं, खुद मुख्तारी, पाकिस्तान को कहते हैं ना, पाकिस्तान is a sovereign state, खुद मुख्तार है। क्या कश्मीर sovereign है? नहीं, कश्मीर is not a sovereign state। सवरन क्यों नहीं है? खुद मुख्तार नहीं है, उसको इंडिया कंट्रोल करता है।
यहाँ वाले को पाकिस्तान करता है, कश्मीर सवरेन नहीं है। हाँ, जो पाकिस्तान में पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है, पाकिस्तान एज अ नेशन इज अ सवरेन स्टेट। कहा जाना हम एक सवरेन स्टेट है, हमें कोई आंखें नहीं दिखा सकता, हम मैप पे एग्जिस्ट करते हैं। तो कह रहा है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को या उसके लॉ एंड ऑर्डर को आपको स्मगलिंग कर रहे हैं, स्मगलिंग का काम कर रहे हैं एनपीओ के तौर पर। ये हुआ है, ये जितने भी बाहर के एनजीओ ने आके बनाए सब आईएसआई के एजेंट्स थे, ये एजेंसी, ये पाकिस्तान इनको किक ऑफ किया। आज से 2-4 साल पहले ऑपरेशन किया था इन्होंने कि भाई जितने भी इन एनजीओ खोली हुई गोरों ने आके इनको इन्वेस्टिगेट करो। इन्वेस्टिगेट किए तो सबको अच्छे खासे को उन्होंने भगाया, ये सारे वहां से आ गए थे इमदाद 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 अपने काम करते थे। उसामा बिन लादेन को किस तरह पकड़ा, इसी तरह तो पकड़ा, वहां पे हर एक एक बंदे के खून के सैंपल लिए थे उन्होंने उस जगह के, बालाकोट की, बालाकोट में हुआ था गालिबन, ये बालाकोट था, कौन सा था, बालाकोट ही था शायद। हर एक एक बंदे के इन्होंने खून के सैंपल लिए थे उस पूरी बस्ती के, उस खून के सैंपल उन्होंने पकड़ा था कि ये वाला बिन लादेन है। वो एनजीओ के थ्रू हुआ था सारे। वो डॉक्टर को पाकिस्तान ने पकड़ के रखा, अमेरिका बोलते हैं हमारा हीरो है इसको छोड़ो, डॉक्टर शाहिद नाम है मेरे ख्याल से उसका, जिसने ये टेस्टिंग करवाई थी अमेरिका के कहने पे। उसको अमेरिका ने, अमेरिका कहते छोड़ो ये हमारा हीरो है। हाँ, तो वो पाकिस्तान बोलता है नहीं हम जेल में पकड़ के रखे हुए, ये इसने हमारे साथ किए, शाहिद मसूद नहीं सही है। कमीशन में ऑल्सो इम्पोज, अरे देखो ये एक लाइन है, ये आपको लॉ में हर जगह देखेगी। देखो जब लॉ बनता है ना, लॉ जो है ऐसे नहीं बन जाता कि आपने लिखा और किताब की जैसे मैंने नोट्स बनाए बांट दिए सबको, ऐसे नहीं बनता लॉ। लॉ जो बनता है, लॉ जब बनता है तो लॉ में क्या होता है कि आप जो है इसको अप्रूव कराते हैं पार्लियामेंट से। एक होता है ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट करता है, एक होता है एक्ट जो के आपका पार्लियामेंट करता है, पार्लियामेंट जाके इसको करता है। अब पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट पावर्स डेलीगेट करता है ये लॉ में इंसर्शन करके, के छोटी छोटी चीज के लिए बार बार जो है पार्लियामेंट में आना। पार्लियामेंट इतना फारिग तो नहीं है, वैसे फारिग है सारे लेकिन इतने फारिग नहीं है पार्लियामेंट का काम है। देखो एक चीज होती है सर्कुलर, एक चीज होती है सर्कुलर, एक चीज होती है एसआरओ। ये क्या है, ये लॉ की इंटरप्रिटेशन ही तो होती है। लॉ में कोई चीज चेंज लानी है इसी के थ्रू तो आती है, लॉ में कोई, लॉ में किसी चीज की इंटरप्रिटेशन करनी इसी के थ्रू आती है। ये एसीसीपी इशू करता है, एफबीआर इशू करता है, इससे कंफ्लिक्ट नहीं कर सकता, इससे कंफ्लिक्ट नहीं। देखो ये पावर कंफर्ड है बाय फेडरल गवर्नमेंट टू द, ये पार्लियामेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को पावर कन्फर करी है, मतलब कन्फर मतलब गिव करना, कन्फर का मतलब गिव देना। और वो जो है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एसएससीबी आता है जो ये सारा बना रहा होता है, एसएससीबी के पास ही पावर है। ये लाइन पहले पढ़ते हैं और मजीद समझ में आएगा। कमीशन में ऑल्सो इम्पोज एडिशनल कंडीशन एंड सच कंडीशन शैल बी इंसर्टेड एंड शैल बी अज्यूम पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। इसके अलावा भी कमीशन चाहे तो कुछ कर सकता है, कल को कुछ ये नहीं हो सकता कि भाई यही है जो है यही है, ये एक्ट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, उसने पावर दे दी कमीशन को। कमीशन इसके अलावा भी कुछ भी ऐड डिलीट कर, डिलीट नहीं ऐड कुछ इसके अलावा कर सकता है बिल्कुल। तो लॉ में कोई गलती हो सकती है ना, कोई इस चीज रह गई, अब एकदम से फिर पार्लियामेंट में भाग रहे हैं, दो गलती हो गई हमसे, ऐसा नहीं होता, उन्होंने पावर दे दी उसको। अब कह रहे हैं प्रिविलेजेस टू एन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, द एसोसिएशन शैल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड बी सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। क्या मतलब हुआ इसका, कि इसके पास हर वो राइट होगा जो कि एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के पास है, और हर वो लायबिलिटी उसकी उसी तरह होगी। ये नहीं बोल सकता AKU, ये नहीं बोल सकता क्या मैंने 10 लाख रुपए का सामान लिया हम तो नहीं दे रहे वापस आपको, सप्लायर को पैसे नहीं दे रहे हम तो, नॉट फॉर प्रॉफिट है। वो कह रहे नहीं, तुम्हारी उसी तरह लायबिलिटी है जिस तरह नॉर्मल कंपनी की। AKU का रिसीवेबल है, AKU ने किसी से पैसे लेने, कल को ये नहीं बोल सकता भाई तुम तो नॉट फॉर प्रॉफिट हो मैं नहीं दे रहा। AKU बोलेगा नहीं भाई मेरे पास लॉ का राइट है जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंपनी के, मैं अपने पैसा रिकवर भी कर सकता हूँ और मुझे किसी को देना है या उससे कोई पैसा भी रिकवर कर सकता है। AKU अपना पैसा रिकवर कर सकता है, AKU से भी कोई पैसा अपना रिकवर कर सकता है, क्लियर है। फिर कह रहा है रीजन फॉर रेवोकेशन, रीजन फॉर रेवोकेशन। अब ये एक अच्छी चीज है, ये हमने जो है इसको पढ़ना है कि कब कब लाइसेंस जो है कमीशन जो है रिवोक कर सकता है। बगैर पढ़े मुझे बताइए आप कब कब लाइसेंस रिवोक हो सकता है। जब उसने जो 3-4 रूल्स दिए हैं अगर वो उसके अगेंस्ट जाएगा तो। एक्सीलेंट, वो जब सब बगैर पढ़े 3-4 रूल्स क्या भाई, कि डिविडेंड दे दे, डिविडेंड दे दे, रीइन्वेस्ट नहीं कर रहा, अगेन द सोवरेनिटी ऑफ द पाक कंट्री हो गया, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, या वो कॉमर्स आर्ट को, ये सब चीजें नहीं है, पब्लिक पॉलिसी, पब बिजनेस का, बगैर पढ़े ये 4 चीजें हमने निकाल ली। ये क्या है, हमारी इंटरप्रिटेशन है।
आगे भी चारों चीजें आएंगी। क्या कह रहा है? द कमीशन मेड एनी टाइम बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग रिवोक अ लाइसेंस। ऑर्डर इन राइटिंग का मतलब ये कि वो लिख के देगा आपको अपनी मोहर के साथ कि मैं आपका लाइसेंस को रिवोक करता हूं। रिवोक अ लाइसेंस ग्रांटेड विद सच डायरेक्शंस एज इट मे डीम फिट। डायरेक्शन कुछ भी दे सकता है इसमें। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, ऐसे ही नहीं देगा जब उसको लगेगा कि क्या द कंपनी और इट्स मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द टर्म्स और कंडीशंस सब्जेक्ट टू व्हिच अ लाइसेंस इज ग्रांटेड। ये कौन से पॉइंट्स रिलेट कर रहे हैं? ऊपर वाले चार पॉइंट्स। वेरी गुड, आप बताइए सर। ये ऊपर वाले चारों पॉइंट्स आप बताइए मैडम सर। क्या 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 नहीं, ये कह रहा है द कमीशन द कंपनी और इट्स मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द टर्म्स और कंडीशंस सब्जेक्ट टू व्हिच अ लाइसेंस इज ग्रांटेड। इन चारों के अलावा वो इसको भी कह रहा जो आखिरी लाइन उसने कहा था द कमीशन में इम्पोज एडिशनल कंडीशन, अगर उसमें से भी कोई कंप्लाई नहीं हुई तो भी वो आपका लाइसेंस को रिवोक कर सकता है। फिर कह रहे साइलेंट 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 चलिए फिर कह रहे नंबर टू में क्या कह रहा है, एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड और एनी रेलेवेंट रेगुलेशंस आर नॉट मेट और कंप्लाइड विद। एनी अदर रिक्वायरमेंट में ये जो है ये स्पेसिफिकली कमीशन वाली की बात कर रहा है। ऊपर वाले में ओवरऑल बात कर दी, सेकंड में स्पेसिफिकली कमीशन ने कोई एडिशनल चीज ये वो भी नहीं करेंगे तो वो भी। लॉ बड़ा क्लियरली आपको दोनों चीजों को अलग अलग करके बता रहा है। तीसरा क्या, अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन द मैनर प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। ये कौन से पॉइंट से कनेक्ट करता है ऊपर के चारों में से? ऊपर में चारों में से कौन से पॉइंट से कनेक्ट करता है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, लास्ट वाले से करता है। द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर की अगर आपने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न नहीं दिए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं ये पीछे वाले साहब बताएंगे। ये मेरा कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तुम बताओ? ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? ये स्टार्ट कब हुआ था? फर्स्ट जुलाई से, फर्स्ट जुलाई। और एंड कब होगा? 30 जून को होगा एंड। सही है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2022। ये कब शुरू हुआ था? जुलाई 2021 से शुरू हुआ। एक सेकंड ना, कंपनी भी नॉर्मल यही होती है। शुगर इंडस्ट्री सितंबर को फॉलो करती है, बैंक्स दिसंबर को फॉलो करते हैं, बाकी तकरीबन 99% कंपनियां इसी पे चलती हैं। कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, खुद आप सितंबर भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। 30 जून ये मेरा हो गया फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग दो फाइनेंशियल ईयर कौन से होंगे? कब से सभी डेट के साथ बताओ, मुझे बताओ क्या होगा? पहला प्रीसीडिंग कौन सा होगा? यही नहीं, फर्स्ट बताओ, फर्स्ट जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक। सही है, पहली जुलाई 2019 से लेके, सही है, और 30 जून 2020 से। सही बोल रही है, पक्की बात है, सही बोल रही है, तुम बताओ ये सही बोल रहा है। चलो लिख लेते ना इनकी बात, फर्स्ट जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक, ये सही बोल रहा है? हाँ जी साहब, सही कह रहे हैं, प्रीसीडिंग टू ईयर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर यही है। सही है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अगर इसकी तो बात नहीं कर सकते, ये तो चल रहा है ना, कोई ना कोई फाइनेंशियल ईयर तो ऑनगोइंग होगा ना, आप किसी भी डेट पे आ जाए, किसी भी डेट पे तुम खड़े हो, कोई ना कोई ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर तो होगा ना। सही है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई ऐसे टाइम पे तुम खड़े हो जो ना जिसमें ना इतवार हो, ना पीर हो, ना जुम्मा हो, ना हफ्ता हो, ना मंगल हो, ना बुध हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तुम कितने भी बजे खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, कोई ना कोई सातों में से तो दिन होगा ना। सही है, तो वो उसको कह रहा है कि भाई ये जो चल रहा है करंट के पीछे वाले दो फाइनेंशियल ईयर का इनके एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं जमा कराए तो भी वो आपको लाइसेंस रिवोक कर सकते। आइए आगे बढ़ते, फिर कह रहा है The company has acted against the internal sovereignty and integrity of Pakistan and the security of the state and the friendly relations with the foreign state. जो ये चौथे पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस टू बिलो 3। इसका क्या मतलब है? इससे इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? तुम दोनों ने लॉ पढ़ा हुआ है, मुझे बताओ। हाँ तो पब्लिक कंपनी 3 से बिलो नहीं हो सकती। तो
उम्मत और रेहान तीन से कम होंगे तो एनपी डेफिनेशन में नहीं फॉल करेंगे। सही है, लेकिन थ्री क्यों कह रहे हैं? थ्री क्यों कह रहे हैं? टू क्यों नहीं? पार्टनरशिप का आ जाएगा, बिलो थ्री हो जाएगा। नहीं नहीं, आप बताइए, आपने पहले लॉ कमी लॉ पढ़ा है? नहीं पढ़ा। चले, आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इनसे भी नहीं कर रहा, तुम दोनों में से कोई जल्दी से बता दो, जल्दी से। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन को पब्लिक लिमिटेड कंपनी का स्टेटस दे रहा है। सही। देखो उसने क्या कहा, अब पहली लाइन दोबारा पढ़ो, पहली लाइन देखो, पहली देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि प्राइवेट, मिसाल के तौर पे ये कंपनी है कि रैयान प्राइवेट लिमिटेड, सही है। अब ये है एसी के नाम से दूसरी कंपनी भी बना देते हैं, रैयान लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट का वर्ड भी ऐड होता है, लिमिटेड भी ऐड होता है। उसने ऊपर कहा था कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड, उसने प्राइवेट नहीं कहा, उसने प्राइवेट नहीं, अभी तुम दो की बात करते हो, मैं रुक जाओ आगे आएगा, उसने प्राइवेट का वर्ड यूज नहीं किया। इसका मतलब क्या? और यहां भी क्या, यहां उसने दोबारा बता दिया क्या बता दिया के लिमिट के तीन मेंबर होंगे। तीन मेंबर किसमें होते हैं? कम से कम पब्लिक लिमिटेड में, पब्लिक लिमिटेड कम से कम तीन मेंबर होते हैं। इसका मतलब वो इस कंपनी का स्टेटस दे रहा है आपको। प्राइवेट में दो होते हैं कम से कम दो, मैक्सिमम 50। पब्लिक में मिनिमम तीन, मैक्सिमम अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। सही है। प्राइवेट क्यों हो जाएगी? एनपीओ नहीं है, खत्म हो जाएगी, रिवोक कर देगा। वही तो कह रहा है, पढ़ो मेरा बच्चा, वो कह रहा है लाइसेंस रिवोक कर दूंगा अगर तीन से कम होगा। प्राइवेट कैसे हो जाएगी? सेक्शन 42 वाली कंपनी ना प्राइवेट है ना पब्लिक है, स्टेटस वो दे रहा है पब्लिक लिमिटेड वाला विदाउट एडिंग द। आगा खान कहीं लिमिटेड नहीं लगाता, क्या लिखता है? आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल, कहीं लिमिटेड लगाया है इसने? सर मेरा एक सवाल जी, आप दो सवाल करें। नहीं हो सकती ना, एनपीओ ना प्राइवेट है ना पब्लिक है, एनपीओ कुछ भी नहीं है, वो स्टेटस आपको जब आप देखो, वो कह रहा है कि बगैर लिमिटेड बनाए, बगैर लिमिटेड लिखे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन मैं आपसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, स्टेटस जब देखो, उसने प्राइवेट का वर्ड उसने हटाना था उसको, अगर वो बोलता अगर जब भी उसने कहा कि लिमिटेड तीन मेंबर कम से कम आपके होने चाहिए, उसको एक तरीके से पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अलाइन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, प्रिविलेजेस में फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्राइवेट हो चाहे लिमिटेड कंपनी, की सबके सेम होते हैं। हर कंपनी बोरिंग कर सकती है, हर कंपनी, नहीं नहीं कोई लॉ नहीं है। कंपनी एक्ट is for private limited also and as well as public limited. Yes. Single member company कोई deal नहीं करता, single member के अलग rules होते हैं, SMC rules होते हैं, वो आप लोगों को उसमें नहीं है, CA final में भी नहीं है। सही है, single member को वो cover नहीं करता। नाम की फिर public limited जैसे treatment होगी। हाँ, बिल्कुल। सही है, समझ में आया? फिर कह रहे थे company is conceived brought forth, मतलब किसी झूठ फ्रॉड वगैरह में मुलव्वस हो, और इज और हैज बीन कैरिंग ऑन अनलॉफुल और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करेगा तो भी ये हो जाएगा। अगेन वो भी थोड़ी बातें अपनी खींच रहे, रन एंड मैनेज बाय अ पर्सन हु फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर एंड ट्रू अकाउंट, जो अकाउंटिंग ही नहीं कर रहे, अकाउंटिंग नहीं कर रहे, जहाँ जमा करा रहे हैं, सही है, खांचे नहीं बना रहे, सॉरी खांचे बना रहे हैं और वो खाते नहीं बना रहे, खाते नहीं बना रहे, और दे कमिट फ्रॉड कर रहे हैं, सही है, मिसप्रेजेंस यही मतलब है इनका, मेलप्रेजेंस ये भी यही मतलब, इन रिलेशन टू द कंपनी, मतलब फ्रॉडियां हैं, काम नहीं कर रहे जिस पर्पस के लिए बने थे, वो कर पर्पस को अचीव नहीं कर रहे। रन एंड मैनेज बाय पर्सन हुआ इन्वॉल्व इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। सही है, जब मैंने आपको मिसाल दी बाहर वालों की, एनजीओ से आके कर रहे थे, एनजीओ बना के, लेकिन वो सेक्शन 42 वाली कंपनी थी, एनजीओ आके बनाते थे और यहाँ पे अपने कंट्री के पर्पस को यहाँ से अचीव करते थे। बिल्कुल। Managed by a person who refuses to act according to the requirement of the memorandum or articles or the provision of the Companies Act or failed to carry out direction or decision of the commission. मतलब कह रहा है भाई देखो, जो लोग चला रहे हैं वो ना तो memorandum की बात मान रहे हैं, memorandum में लिखा हुआ उसके against काम कर रहे हैं, articles में लिखा हुआ उसके against काम कर रहे हैं, Company Act में जो लिखा है उसके against काम कर रहे हैं, या SECB ने कोई direction दिए तो उसके against काम कर रहे हैं। आखिरी में कह रहे हैं not carrying on its business or is not in operation for 1 year. एक साल से operation नहीं है, financial year नहीं बोला यहाँ पे ना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बोला है। सही है, आपको सवाल वो दे सकता है कि आज हम खड़े हुए इस तारीख को
और इस तारीख से वो जो है कोई काम नहीं कर रही, बताओ रे एसीसीपी क्या एक्शन ले सकता है? आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि एक साल के अंदर, जरूरी नहीं डायरेक्ट नहीं पूछेगा रिवोक कर, आपको यूं भी घुमा के यहाँ भी घुमा के वो पूछ सकता है, आपको चीज पिक करनी है। एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने कहा था प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर, ऑपरेशन में कह रहा है एक साल से ऑपरेशन बनी। अगर आज मैं खड़ा हूँ 24 मार्च को, तो 24 मार्च 2021 से कुछ भी नहीं कर रही तो एसीसीपी चाहे तो रिवोक कर सकते हैं, नहीं उससे पहले। आखिरी में वही एसीसीपी को पावर दे रहे हैं जिस तरह मैंने आपको उस वक्त समझाया था, ये आपको इस तरह का जुमला पूरे लॉ में दिखते रहेंगे, इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द लाइसेंस शुड बी रिवोक। उसको लग रहा है कि भाई लाइसेंस रिवोक कर दिया जाए। इसको रीड करें, कोई सवाल है तो पूछें, फिर हम सेक्शन 43 करते हैं, फिर क्लास को ऑफ करते हैं। सेक्शन 43 करना हमारी मजबूरी है, वरना पास से पढ़ नहीं होंगे। कड़ी को छोड़ दो, पढ़ो, फल्ट का हो जाएगा, चल हो जाएगा। सेक्शन 43 आधे पेज का है जी। सवाल है कि 2017 ऑर्डिनेंस था 1994 वो चलता, कंपनी एक्ट भी ये एसीसीपी ने बनाया, ऑर्डिनेंस भी एसीसीपी ने बनाया, अप्रूव वहां पार्लियामेंट ने किया, उसको प्रेसिडेंट ने किया था। चलें ये सेक्शन 43 पढ़ लेते हैं, रीडिंग जरूर करें, रीडिंग जरूर करें, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं रीडिंग करें। सेक्शन 43 बहुत मजे का है, मजा आएगा आपको, इसमें डेट्स वगैरह सारी चीजें आ रही, बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए, और अगर बिल्कुल भी आप लोग थोड़ा ढीला पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 42 तो आसान था सेक्शन था, 43 एक बहुत टेक्निकल सेक्शन है, बहुत दफा उसने पूछा है। नहीं नहीं अगली क्लास में, इसी क्लास में कर लेते हैं यार, फिर पास पेपर नहीं हो पाएंगे अगर मैं नहीं कराऊंगा ना, पास पेपर नहीं हो पाएंगे, मैं इस वजह से कह रहा हूँ। पास पेपर करने के लिए ये सेक्शन करना जरूरी है, अटेंटिव रहोगे 15 से 20 मिनट हो जाएगा, सुस्त पड़ जाओगे तो ये आधा घंटे में भी नहीं होगा। ये आप लोगों के ऊपर है कितनी जल्दी करते हैं, अटेंटिव रहो, ये 10 से 15 मिनट में ये सेक्शन हो जाएगा। अटेंटिव नहीं होगे, सुस्त पढ़ोगे तो आधे घंटे में भी नहीं होगा। सेक्शन 43 अफेक्ट ऑफ रेवोकेशन, कट्टा मारा था रट्टा नहीं मारना, अब नहीं मारोगे इंशाल्लाह, अब तुम्हें रट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अफेक्ट ऑफ रेवोकेशन पढ़ लो बेटा, आप भी पढ़ें, तीनों चारों पढ़ें। अच्छा जी, पढ़ लिया सेक्शन 43, बहुत मजेदार है पता है, लिटरली कह रहा हूँ, पढ़ोगे मजा आएगा। 43 तो नहीं पढ़ लेंगे तुम लोग? अरे नहीं भाई, जो पढ़ाया वो पढ़ो अभी तो आपने। अरे नहीं भाई, सेक्शन 43 तो मैं पढ़ाऊंगा। अबे यार क्या हो गया, तुम लोग सब 43 पढ़ रहे हो? अरे 43 तो मैं पढ़ाऊंगा, तुम भी 43 पढ़नी थी? नहीं यार क्या हो गया, खुदा खौफ, मैं पढ़ लो, कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। अबे यार ये क्या कर रहे हो, तुम लोग 43 पढ़ बैठे हो? अबे यार कसम से यार, तुम लोग भी तुम चल रहे हो सारे, 43 पढ़ो, 43 तो मैं पढ़ाऊंगा। अरे नहीं यार, 43 नहीं बोला मैंने, रिकॉर्डिंग में सुनूंगा मैं इसको, 43 नहीं बोल सकता मैं, 43 तो मैं पढ़ाऊंगा, तुम लोग तीनों। अच्छा उसने 42 क्यों पढ़ा? नहीं तुम लोगों ने गलत पढ़ा, तीन लोग सो भी सकते हैं। आ गया, चले वेरी गुड, चलो अच्छा 43 स्टार्ट करते हैं। 43 में कह रहा है इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन, फोकस बढ़ा दो, ये सेक्शन 10 मिनट में हो जाएगा। फोकस बढ़ाओ बिल्कुल, हर एक लफ्ज को अटेंटिवली पढ़ेंगे। On revocation of a license of a company by the commission, the company shall stop all its activities except the recovery of money owed to it. वो कह रहा है रिवोक कर दिया license, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, कोई डोनेशन नहीं लो, कोई डोनेशन नहीं लो, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करोगे, फंड रेजिंग हो तुम्हारी, अब सैलानी को बोलेगा कुछ भी नहीं करोगे तुम, सिर्फ जो तुम्हारा पैसा कहीं फंसा हुआ है उसको तुम रिकवर करोगे, तुम्हारा पैसा कहीं फंसा हुआ है उसको रिकवर करोगे, इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं करोगे। कोई नहीं है जलगो के भाई राशन चाहिए हमें, हमें इनकी मदद करनी है, रमजान आ रहा है ये दे दें, ऐसा यूटी को बोलेगा रुक जाओ, इंडस हॉस्पिटल को बोलेगा रुक जाओ। AKU भी जकात लेता है वैसे, आपको पता है AKU भी जकात लेता है, जकात लेते ही ये करते हैं मदद, ऐसा नहीं करता, अप्लाई करें, एक सडन इनका होता है कि 40% तक जकात में हो जाता है, 60% जो है वो कहते हैं कि आप दे दो, लेकिन 60% भी गरीब के लिए बहुत पड़ता है, 60% इनका बहुत होता है, इतने ये बहुत महंगा है, लेकिन यार इनकी सर्विसेज हैं, लेकिन करें इनकी सर्विसेज ऐसी हैं क्या आप बोलोगे वाकई यार दिल खुश हो जाए। लैब्स हो गई, इनकी ट्रीटमेंट हो गई, बहुत बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है इनका, लियाकत दोनों साइज में बड़े लगेंगे, लियाकत इनके करीब करीब भी नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं, लॉजिक समझ में आई,
भैया तुम रिवोक कर दिया लाइसेंस, तुम जिस मकसद के लिए बने थे तुम्हें खत्म कर दिया उस मकसद के लिए, अब तुम जो है कोई ऐसी चीज नहीं करोगे जिससे जो तुम्हारा पर्पस था उस पहले, सही है। नंबर टू में क्या कह रहा था, कंपनी शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशन फ्रॉम एनी सोर्स, उसी बात को एक्सटेंड कर रहा है, खोल के भी बता दिया कि अब कोई तुम कोई डोनेशन वगैरह कोई भी रिसीव नहीं करोगे। पहले मैं कहा कि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करोगे, रेजिंग नहीं करोगे, अगर कोई लेके भी आ गया ये लो डोनेशन, आप मना कर दोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, अब हमारा लाइसेंस रिवोक हो गया, ये पैसे वापस नहीं, सही है, चुप के जेब में डालने एक अलग बात, यहां से आप फोकस बढ़ा दें। और अब देखो बिल्कुल फोकस बढ़ाना, ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी After satisfaction of all the debts and liabilities, इसे क्या कहते हैं? Assets में से liabilities निकाल दें, net assets. आप accounting वाले हो, उसको नहीं, वो law सबके लिए बनाया है उसने, lawyers के लिए भी बनाया है, lawyers को नहीं पता होता, आप लोग accounting वाले, आप लोगों को पता है net assets. कह रहे हैं net assets से क्या करेंगे? Shall be transferred to another company license under section 42 having identical objects to those of the company. क्यों कह रही हैं? मैडम आप बताइए। ऐसा क्यों कह रहा है कि ट्रांसफर कर दो? पार्टली सही है, तुम बताओ। वो बस लॉ बोल रहे हैं। लॉ, वेरी गुड, सबसे सही जवाब यही है, तुम बताओ। सर और किसी कंपनी को बेच सकते हैं ऐसा? यही बात है। नहीं नहीं गलत, देखो ये जब बोलना सीखोगे ना, इंटरप्रिटेशन सीखोगे तो यही तुम कल को पास्ट पेपर में भी लिखोगे, तो जितना है इसको सीरियस लो, इसको बोलो, यही तुम फिर अंग्रेजी में लिखोगे, इसको इतना अच्छा एक्सप्लोर करोगे अपने जहन को। मैं ये खुद भी बताता हुआ जा सकता था, टाइम बचाना है ना, मुझे भी घर जाना है, मैं सुबह 8 बजे का निकला हूँ, सही है, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है घर जाने की, लेकिन मैं भी क्या टाइम दे रहा हूँ, लॉ को पढ़ना सीखना है, लॉ को पढ़ना नहीं है, लॉ को पढ़ना सीखना है, सही है। ऊपर तुम खुद पढ़ के आए, कहा कि डिविडेंड नहीं बटेगा, घर कुछ नहीं लेके जाओगे, अगर वाइंड अप हो रहा है, अगर तुम घर लेके तो ऊपर वाला पर्पज ही अचीव नहीं हुआ, सही है। आपने इसी को पैसा दिया, डोनेशन दिया, सदका खराज जकात कुछ भी दिया, आपने उनके घर वालों को नहीं दिया, सही है। अगर वो घर ले गया तो मकसद ही फौत हो गया उसका, मकसद ही मर गया, सही है। वो कह रहा है कि भाई तुम ये पैसा तो मैंने शुरू में ही मना कर दिया था कि ये घर नहीं जाएगा, जब घर नहीं जाएगा तो ये सिमिलर ऑब्जेक्ट के उसमें चला जाएगा, ताकि मैंने जो ज़कात दी थी मेरे ज़कात का पर्पज अचीव हो जाए। मैंने ज़कात इसलिए नहीं दी थी कि ईडी सेंटर का खत्म हो तो उनके घर भी बच्चे पले उसमें, मैंने ज़कात दी थी गरीब गुरबा में जाए तो ईडी वाला सैलानी को दे देगा, चीपा को दे देगा, किसी को भी दे देगा, समझ में आया? तो कह रहा है लॉजिक है इसके पीछे, कह रहा है सारे नेट एसेट अब ट्रांसफर कर देंगे टू द सिमिलर कंपनी, सेक्शन 42 वाली कंपनी हैविंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो स्पोर्ट्स वाले में चले जाएगा, हेल्थ है तो हेल्थ में चले जाएगा, सही है। कितने विदिन, कितना विदिन, विदिन 90 डेज फ्रॉम द रेवोकेशन ऑफ द लाइसेंस, और अगेन अब सच एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब अगर SECB कहता है कि नहीं यार 90 डेज कम है, बहुत बड़ी NGO थी, मतलब बहुत बड़ी NPO थी, ईडी सैलानी 90 डेज में तो नहीं हो सकता ना, वो कह रहा है चलो 120 दिए, 150 दिए, वो इसके डिस्क्रिप्शन है। हमने क्या फोकस करा 90 डेज, 1 जनवरी 2021 को, 2022 को जो है लाइसेंस रिवोक हुआ। अच्छा मैं कोई भी एग्जांपल देता हूँ, जब मैं दिन गिनता हूँ ना, मैं कहता हूँ अज्यूमिंग एवरी मंथ इज 30 डेज, आप ये पेपर में अज्यूम नहीं करके आ जाना, वो नंबर काट लेगा, हम टाइम बचाते हैं अपने, अज्यूमिंग एवरी मंथ है 30 डेज, तो इसके 90 डेज कब पूरे हो जाएंगे? 30 मार्च कर लें, सही है, 30 मार्च को इसके 90 डेज, 30 मार्च 2022 तक इसको क्या करना है, नेट एसेट को ट्रांसफर करना है, नेट एसेट को, नहीं नहीं हम 90 एग्जैक्ट नहीं गिन रहे, मैं कह रहा हूँ ना हम दो भी एग्जांपल लेंगे, हम क्लास के लिए एवरी मंथ इज 30 डेज, क्लास के लिए, एग्जाम के लिए नहीं, फरवरी में थी, हर मंथ एवरी मंथ इज 30 डेज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम, सही है। नेट एसेट क्या करना है इसको, ट्रांसफर करने, कितने 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेवोकेशन। अब आगे पढ़िए, सही है। However, the company may retain reasonable expenses of winding up. इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे इसके net assets बन रहे हैं 1 करोड़ रुपए के, अब कंपनी बोल रही है भाई देखो सब कुछ दे दूंगी तो वाइंड अप भी तो कराना है, ऑडिटर आएगा वाइंडिंग अप करवाएगा, पूरे सर्टिफाई करेगा, तो बोलता है देखो मुझे लग रहा है कि मेरे 5 लाख रुपए जो है ना वाइंडिंग अप में चले आएंगे, 5 लाख मेरे वाइंडिंग अप में चले आएंगे, तो बोलेगा सही है 95 लाख कर दो, सही है 5 लाख को खर्चे कराओ बाद में दे देना, बाद में ये भी देके जाएगा इसमें 10 रुपए भी बचेंगे देने,
लेकिन अभी कह रहा सही भी थोड़ा कर लो, रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ बाइंडिंग सही है। समझ में आ गया यहाँ तक? अभी आगे आगे बातें कॉम्प्लेक्स होंगी, यहाँ तक समझ में आ गया मैडम आपकी भी? सही है। डेट ऑफ रेवोकेशन से 90 डेज के अंदर नेट एसेट की सिमिलर कंपनी को ट्रांसफर करने घर लेके कुछ नहीं जाना। नंबर टू में कह रहा है आफ्टर कंप्लाइंस, यहां मैं सवाल पूछूंगा रेयान तुमसे पूछूंगा, आफ्टर कंप्लाइंस ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल फाइल अ रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार कंटेनिंग स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन। स्पेसिफाइड क्या होगी? जो एससीसीबी कहेगा। डॉक्यूमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच कंप्लाइंस, फ्रॉम द डेट ऑफ सच कंप्लाइंस। सही है, ये इन्होंने कर दिया। सही है, 1 जनवरी तो एज इट इज रहेगी, ये इन्होंने कर दिया 1 मार्च को इन्होंने कर दिया। सही है, अब बोर्ड की रिपोर्ट कब तक जाएगी जल्दी से बताओ, बोर्ड की रिपोर्ट? एक सेकंड ना, इनको जवाब देने दे रहा यान। क्यों? ये तो 90 डेज तो यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, तुम वो कैसे कह रहे हो? लिमिट है। हाँ लिमिट है, तो कंप्लायंस मतलब जब वो सारा एसेट ट्रांसफर हो जाए उसके बाद रिपोर्ट। ये कहाँ देखा तुमने? क्या लिखा हुआ है? ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं ना? जड़ी डेज यहाँ से काउंट होने चाहिए ना, तुम बताओ गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं रेयान? नहीं अभी तो नहीं, मुझे बताओ क्या आपको, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है? ऐसा मजा नहीं आएगा, देखो सेक्शन ही कंप्लीट हो जाए, ये सिर्फ 3 और 4 रह गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। ये तुक्के नहीं मारो, तुक्के नहीं देखो कंसेप्चुअली बताओ। After compliance with the requirement, the board of the company shall file a report to the registrar containing specified information within 15 days from the date of such compliance. क्यों 1 मार्च से होगा? तो 30 मार्च के बाद ये जो है ये इसमें इसने खोल खोल के कहा है, अंग्रेजी समझ नहीं थी इसके अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लाइंस। कंप्लाइंस तो इसने यहां कर दी ना बेटा, 30 मार्च को क्यों देख रहे हो? 30 मार्च तो लिमिट है, 30 मार्च की तो लिमिट है, 30 मार्च की तो लिमिट है ना मेरा बच्चा। देखो ना 30 मार्च तक तो करना ही करना है, यहां उसने कर दिया। देखो अंग्रेजी अंग्रेजी पे गौर, आफ्टर द कंप्लाइंस। सही है, और तुम तुक्के नहीं मारो, तुम पढ़ के जवाब दो। सही है, ये यहाँ पे आ गया 30 मार्च। अब 30 मार्च से, अब 30 मार्च से कब हो गया ये? अगर 30 मार्च को ही डेट ऑफ कंप्लाइंस अज्यूम किया जाए तो 15 अप्रैल क्या हो गया? बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड क्या करेगा देख के बताइए ना, रिपोर्ट फाइल करेगा, रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट देगा किसको? रजिस्ट्रार को। सही है, आगे पढ़ते हैं। Within 30 days of acceptance of the above report, within 30 days of the acceptance of the above report submitted by the company to the registrar, कौन सी रिपोर्ट की बात कर रही है? ये ऊपर वाली रिपोर्ट जो बोर्ड देगा। सही है, एक डेट मेरे पास ये आ गई, मैं इसको ब्लैक से सर। अच्छा इसका अपना चार्ट मत बनाना, ये मैंने बनाया हुआ है पीछे देखें, ये पूरा बना हुआ है, ये बना हुआ है। तो ये इसको इसको ड्रॉ नहीं करना, ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, इसको ड्रॉ मत करना। ये बच्चा ड्रॉइंग में लग जाता है फिर वो जो चीज समझने वाली है वो नहीं समझता। सही है, क्या कह रहे हैं? Within 30 days of the acceptance of the above report submitted by the company to the registrar, the board shall initiate necessary proceedings for winding up of the company voluntarily. या तो खुद ही जो है winding up start कर दे। Winding up क्या? जो ऊपर पैसे नहीं रखे थे उन्होंने कि भाई reasonable के भाई ये पैसे हम रोक रहे हैं, winding up करेंगे इससे। Winding up कोई पूरा एक process होता है, देखेंगे इंशाल्लाह जाके। सही है, तो winding up के process वो कह रहा है कि यहाँ से accept हो गई report, accept कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। रजिस्ट्रार ने कहा सही है, सारी चीजें एक्यूरेट है, सही है, सब तुमने ट्रांसफर भी कर दिया, सब कुछ मैंने देख लिया। सही है, अब उसकी क्या जिम्मेदारी है? विद क्या? विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द अबव रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार, द बोर्ड शैल इनिशिएट मतलब स्टार्ट करेगा नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वॉलंटरीली और वेयर इट हैज नो एसेट्स एंड लायबिलिटी। कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है, सब खत्म हो गया। सही है, मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग द नेम ऑफ द कंपनी ऑफ द रजिस्टर। सही है, बोलेगा उसको, बोलेगा भाई कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया मेरे पास, तो बोलेगा जाइए तुम्हारा नाम मैं काट देता हूं कम रजिस्टर ऑफ कंपनी से। सही है, विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट। अब एक्सेप्टेंस, अब देखो एक्सेप्ट क्या कह रहा है? विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस मिस, अब देखो जरूरी नहीं कि वो यहां एक्सेप्ट कर ले, 15 को कर ले, हो सकता है वो 31 मई को एक्सेप्ट करे, हो सकता है वो 31 मई को एक्सेप्ट करे, हो सकता है वो 30 अप्रैल को एक्सेप्ट करे, कभी भी कर सकता है ना वो, अगर उसने 30 अप्रैल को एक्सेप्ट करी है। सही है, तो फिर 30 डेज यहां से काउंट होंगे, मतलब 30 में। सही है,
यहां से उसको प्रोसेस इनिशिएट कर देना है, इनिशिएट करना है, वाइंड अप नहीं करना, इनिशिएट करना है वाइंडिंग अप का प्रोसेस। फिर कह रहा है कमीशन में अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इफ द कंपनी इफ द अबव रिक्वायरमेंट आर नॉट फुलफिल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। एडमिनिस्ट्रेटर एसईसीबी का अपॉइंटेड बंदा होता है बाबा, उसको लगा, उसको लगे कि यार ये खुद नहीं कर रहे तो अपना बंदा अपॉइंट कर देगा, ठीक है। इफ नेसेसरी ऑफ अ कंपनी आर ट्रांसफर्ड टू अनदर कंपनी डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर और देयर फैमिली मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट कंपनी शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन द लेटर कंपनी फॉर एवर फाइव ईयर। मतलब क्या, ये ईडी था, ईडी के चले गए सारे सैलानी में, तो अब जो ईडी के जो मेंबर्स हैं और जो उनके फैमिली मेंबर हैं वो सैलानी में 5 साल तक कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। सही है, कोई सवाल? एम्प्लॉयज कर सकते हैं, ग्रिड आ जाओ, रूम में आ जाओ। चलें, थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी चीजें।